आज हम स्पेसिफिकली जेई एडवांस्ड की बात करेंगे। जो बच्चे भी क्लास 12th में हैं और अभी चाहते हैं कि हम जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लेके आए, उनको क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, एग्जैक्ट हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जेई 25 का जो मेरा कोर्स है उस पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है और कल लास्ट डेट है उस डिस्काउंट को अवेल करने की। आप 10,000 की जगह केवल 5,000 में उस कोर्स को ले सकते हो टिल टुमारो नाइट, 19 जून की नाइट तक। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे आप उस कोर्स को अवेल करिए और डिटेल्स लास्ट में बता दूंगा। एंड इफ यू कैन नॉट अफोर्ड द कोर्स, मेरे शॉर्ट नोट्स आपको डेफिनेटली लेने चाहिए, वो फ्री हैं, उनको भी आप सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हो। तो जेई एडवांस 25 को लेके मैं दो तरह के बच्चों से बात करूंगा। पहले वो बच्चे जिनका सब कुछ सही चल रहा है और दूसरे वो बच्चे जिनका इतना सही नहीं चल रहा है प्रिपरेशन, उन्होंने या तो स्टार्ट ही नहीं किया या फिर इतना अच्छा स्टार्ट नहीं था या अब तक टाइम पास हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं इनको फटाफट से अपन साइड कर लेते हैं, फिर अपन जिन जिनसे बात करें उनसे बात करते हैं। ठीक है, तो जिनका सब कुछ सही चल रहा है आप बिल्कुल सही जाओ, आपकी बैकलॉग वैसे मैं अज्यूम करो ज़्यादा होगी नहीं। एंड आपको फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो। ठीक है, जैसे आई ए रोडोव हो गई, एदास गुप्ता या ब्लैक बुक हो गई मैथ्स में। ठीक है, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है वो हो गई। इसके अलावा आपके ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस हो गए, ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपको रेफर डेफिनेटली करने चाहिए। ठीक है, आप यदि इनको नहीं करोगे तो जेई एडवांस में रैंक थोड़ी सफर करेगी, क्योंकि ये जेई एडवांस से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। आप एडवांस से 10-20% डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तैयारी करोगे तब जाके एडवांस आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, तो कंफर्ट जोन में मत आ जाना, ऐसा मत सोचना कि यार मेरे तो एडवांस के टेस्ट में 50% 60% आ रहा है तो सब कुछ हो गया। नहीं, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। 100% भी आप लाने का एम करो। ठीक है, आप कोशिश करो कि 90% से, देखो 90% पे आके भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है जेई एडवांस में। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपके 100 में से 100 नंबर हर एग्जाम में आ रहे हैं, राइट? सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। ऐसे कंफर्ट जोन में मत आ जाना कि भाई अब तो मेरा सब हो गया। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ वे टू गो, कीप सॉल्विंग हार्ड क्वेश्चंस एंड बैकलॉग्स वगैरह मत आने देना। अब जिनकी बैकलॉग आ चुकी है, जो 11th में इतना नहीं पढ़े थे या फिर इतना उनका अभी तक कवरेज नहीं हुआ है, जो भी कारण है, और आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको जेई एडवांस के लिए एग्जैक्टली टारगेट अभी नहीं करना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट के अंदर हम बेस्ट टू द बेस्ट स्कोर लेके आ जाएं, और फिर हमको 4-5 महीने मिलेंगे जेई एडवांस के लिए, उसमें अपन जेई एडवांस की पूरी फुल ऑन तैयारी करेंगे। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि अभी हम जेई एडवांस को भूल के बैठ जाए? बिल्कुल नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी एटलीस्ट नवंबर तक आपको आपके टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं उसको आप एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करो। और पुराना अगर कोई चैप्टर आपके लिए ईजी लग रहा हो और आपको कॉन्फिडेंस है यार कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा के भी हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, उन चैप्टर्स का आप एडवांस के क्वेश्चंस भी लगाओ। ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना है इस प्रोसेस को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है और वो डिफिकल्ट भी है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन हो गया, ये बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं। कई बच्चों को जैसे ये पीएमसी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं। तो अब ये जैसे चैप्टर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, ठीक है, और आप ये सोचो कि यार इसका अपन एडवांस लेवल तक करेंगे तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर कोई चैप्टर आपको जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, वर्क पावर एनर्जी वगैरह हो गया, एसएचएम हो गया, ये या वेव्स वगैरह, ये फ्लूइड वगैरह हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैं फिजिक्स में केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री तो पूरी ही ईजी में ही आती है मेरे हिसाब से, स्पेशली 11th की। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी जैसे एलजेब्रा वाला पूरा सेक्शन ईजी में ही आता है, 11th की कोऑर्डिनेट भी रिलेटिवली ईजी है। तो अब ये चैप्टर्स अगर आपको थोड़े बहुत आते हैं और इनकी आप प्रैक्टिस एडवांस लेवल तक कर ले, वो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में उतना टाइम भी नहीं मिलता है कि सब चीज़ें बाद में ही कर लेंगे। ठीक है, तो आई वुड से टिल नवंबर यू शुड इंक्लूड अ गुड मिक्स, 50-50 मिक्स रखना है ऑफ इजी जेई मेन लेवल क्वेश्चन एंड जेई एडवांस लेवल क्वेश्चंस। अभी से अगर आप कवरेज नहीं करोगे ना तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, क्योंकि टाइम अब कम बचा है। ठीक है, तो इतना ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा टाइम अपना एडवांस को ही देना, क्योंकि आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, और उसके चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा रह जाए, कवर ही नहीं करें, क्योंकि हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने में ज़्यादा बिजी हैं, राइट? वैसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो चैप्टर्स आपको आते हैं, जो चैप्टर्स में आप कंफर्टेबल हो, जो आपको ईजी लग रहा है, उसके आप थोड़े बहुत 50-60 क्वेश्चंस पर चैप्टर आप डिफिकल्ट वाले भी कर लिया करो। ठीक है, क्या आपको एरोडोव वगैरह करनी चाहिए? मेरे हिसाब से अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना भी टाइम आपके पास नहीं है। एरोडोव और ये सब बुक्स उन बच्चों के लिए छोड़ो जो अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं। आप अपनी कोचिंग शीट पर ही स्टिक करो, कोचिंग शीट भी बहुत अच्छे से कर लोगे ना, जेई एडवांस में 1000 रैंक आने की संभावना अच्छी खासी अभी भी है। ठीक है, अभी भी है, प्रोवाइडेड आप पढ़ लेंगे। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया कि किस बच्चे को किस तरह से जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो अभी से करो अच्छे से, और पूरा फोकस करो कि आप नवंबर से पहले पहले हर एक चैप्टर में जेई एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे से आप पारंगत हो, जनरल रिटर्न बहुत अच्छे से देंगे, और फिर अपने पास पूरा टाइम है एडवांस पर फोकस करने का और पूरा 80-90% स्कोर को टारगेट करने का। जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, आपको फोकस ज़्यादा आपको करना है जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट पर, लेकिन आप नवंबर तक कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस के भी कर सकते हो, स्पेशली फॉर चैप्टर्स जो आपको अच्छे से ऑलरेडी आते हैं या जो आपको ईजी लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जनवरी के बाद बहुत सारा टाइम मिलेगा फॉर एडवांस, लेकिन अगर आप अभी से ही बहुत ज़्यादा एडवांस की तैयारी करोगे तो वो आपकी मेंस परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, और फिर आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे आपका जेई एडवांस का टाइम फर्दर कट शॉर्ट होगा। ठीक है,
तो आपको क्लियर आई होप हो गया हो। और आपको और हेल्प चाहिए फॉर बोथ जेई मेन एंड जेई एडवांस 2025 तो मेरा कोर्स लेना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सबसे ऊपर दिया हुआ है। इस कोर्स में वो सब कुछ है जो आपको आईटी जाने के लिए चाहिए, एंड आई कैन गारंटी दैट इफ़ यू स्टडी दिस कोर्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक, पूरा कोर्स आप पढ़ेंगे, दो तीन बार रिवाइज करेंगे, आपको एक बहुत ही अच्छा कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा, इतनी गारंटी मैं लेने को तैयार हूँ एट द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ जस्ट ₹5,000। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको डेफिनेटली लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये कोर्स लगेगा। अब तक 12,000 से ज़्यादा बच्चे हम तक पढ़ चुके हैं और उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। ओके, एंड अगर आप कोर्स नहीं ले सकते, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, शॉर्ट नोट जरूर लेना, वो आपको रिविजन में बहुत हेल्प करेंगे, सेकंड लिंक पर दिए हुए, वो फ्री है। ठीक है, पसंद आई वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दो, गुड लक, टेक केयर।